Coming to the question, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 cm of standing water is needed? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप. एक कैनल है जिसमें वाटर है, ठीक है, उस कैनल का विड्थ कितना है 6 मीटर और डेप्थ कितना है 1.5 मीटर. इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. तो जो वाटर फ्लो कर रहा है उस कैनल के थ्रू, वो कितना 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से फ्लो हो रहा है. मीन्स उसी लेंथ से उतनी लेंथ में उसके स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लो करता हुआ चला जा रहा है. क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. कितना एरिया को वो इरिगेट करेगा, कितना 30 मिनट्स के अंदर. इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अगर इस लेंथ को अगर देखें, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हमें जो पानी चाहिए वो वैसे ही कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक. तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच एरिया. डेफिनेटली हमें मालूम क्या करना है, एरिया, कितना एरिया ये इरिगेट करेगा 30 मिनट्स के अंदर. तो जाहिर सी बात है, अगर एरिया आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा. तो वॉल्यूम अगर इस कैनाल का अगर हम लोग एरिया के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, जो कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर के थ्रू हमें इंडिकेट किया गया है. सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन कंडीशंस हम लोग लिख लेंगे वो क्या होगा, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड, विड्थ कितना है आपका 6 मीटर. यहाँ पे लिख लेते हैं विड्थ बी इज इक्वल टू 6 मीटर. डेप्थ कितना है इसका 1.5 मीटर. एच हो गया आपका 1.5 मीटर. इस फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मीन्स जिस लेंथ के थ्रू वो फ्लो कर रहा है वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस लेंथ पे फ्लो करता जा रहा है. ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ फ्लो जो होगा, मीन्स एल इज इक्वल टू कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर. डेफिनेटली हमारा डायमेंशन किसमें, मीटर में. इसको मीटर में अगर चेंज करें तो क्या होगा 10,000 मीटर, और 10,000 डिवाइड बाई 60 अगर कर दें तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट. आवर से हो गया मिनट में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितना एरिया इरिगेट करेगा 30 मिनट में, जिसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मिनट में. तो नाउ अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, वाटर का, वाटर फ्लो का इस कैनाल के थ्रू. यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, ये क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इक्वल टू लेंथ क्या हो गया आपका 10,000 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितना हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो गया आपका 1.5. तो दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 60 जो है वो 6 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.5. दिस इक्वल टू इस पैरामीटर को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 1500 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है इस कैनाल के थ्रू 1 मिनट में, ठीक है. तो अब 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा इस कैनाल के थ्रू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट, 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम वाटर इस कैनल के थ्रू फ्लो करेगा, ये हो जाएगा आपका 1500 मल्टीप्लाइड बाई 30, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 45,000 क्यूबिक मीटर. तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो कर रहा था इस कैनाल के थ्रू, वो था आपका 1500 क्यूबिक मीटर. अब सेम यही वाटर जो फ्लो कर रहा है वो 30 मिनट्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कैनाल के थ्रू फ्लो करेगा, तो वो हो गया आपका 45,000 क्यूबिक मीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मालूम करना है, हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट, कौन ये वाटर कितना एरिया इरीगेट करेगा 30 मिनट में। वॉल्यूम जो हमारा वाटर का निकला है कितना है, 45,000 क्यूबिक मीटर 30 मिनट्स में। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन मीन्स इस एरिया को इरीगेट कितना करेगा वाटर 30 मिनट्स के अंदर, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है निकालना क्या है, एरिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीड फॉर इरीगेशन विद 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर भी हमें चाहिए, जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर का वो भी फिक्स्ड रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट है आपका 45,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम आपको लग रहा है वाटर का इरीगेशन के लिए विद 8 सेंटीमीटर फिक्स्ड लेंथ के साथ, वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू लेंथ एल, जो कि आपका 8 सेंटीमीटर है। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए इंटू, जाहिर सी बात है 8 सेंटीमीटर है तो हमारे पैरामीटर्स किस में है, मीटर में। तो अगर 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं हम, 8/100। देयर फोर एरिया ऑफ इरीगेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8। तो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ इरीगेशन इन हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट इन 30 मिनट्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एरिया ऑफ इरीगेशन इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 8। इस पैरामीटर को अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,625,000 स्क्वायर मीटर, जो कि कैनल इरीगेट करेगा टोटल एरिया कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। इनिशियली हमने क्या किया, गिवन कंडीशन से हमारे पास क्वेश्चन में से वो हमने लिख लिया, फिर जो किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ फ्लो था उसको हमने क्या किया, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट किया। मीटर में क्यों किया, क्योंकि बाकी के जो डायमेंशन थे वो मीटर में थे, और मिनट में क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि कितना एरिया इरीगेट करता वो कैनल वो हमें मालूम करना था मिनट्स में, इसलिए हमने मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया लेंथ ऑफ फ्लो। उसके बाद सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो निकाला एक मिनट में, कि कैनल के थ्रू वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा एक मिनट में, तो वो आया था आपका 1500 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे जो एरिया इरीगेट करने का जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है वो कितने मिनट्स के लिए पूछ रहा है, 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वाटर फ्लो का कैनल के थ्रू, वो हो गया आपका 45,000 क्यूबिक मीटर। एट लास्ट फिर हम जो फर्दर हमने आ रहा जो प्रोसीजर था वो अप्लाई करने के बाद जो एरिया हमारा निकला वो आया आपका 5,625,000 स्क्वायर मीटर एरिया जो है कैनल इरीगेट करेगा 30 मिनट्स में।